BMW 730 LD है फ्रेंड्स। ये डिटेल्स एक बार आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में डिटेल्स बता देता हूँ ताकि मेरे हर स्टेट के सब्सक्राइबर्स को समझ आ सके। दिस इज़ BMW 730 LD मई 2016 रजिस्टर्ड सिंगल ओनर ड्रिवन 52,000 किलोमीटर्स विद द सर्विस रिकॉर्ड्स। दिस इज अ डायरेक्ट कस्टमर ओन कार एंड इट विल बी RC पेमेंट केस। द नेम इन विच द कार इज रजिस्टर्ड यू नीड टू मेक द पेमेंट इन द सेम नेम। द कार इज ऑल ओरिजिनल एक्सेप्ट वन और टू पीस विच पीसेज आर पेंटेड दैट आई विल टेल यू इन द वीडियो ऑल्सो। जुलाई और जून मंथ 2023 तक इंश्योरेंस वैलिड है। सिंगल ओनर ड्रिवन 52,000 किलोमीटर्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। BMW 730 LD M स्पोर्ट्स है ये। आप यहाँ पे देखेंगे आपको ब्लूइश यहाँ पे लाइट्स मिलेंगी, BMW लेजर लाइट्स हैं, DRLs इसके अंदर आपको मिलेंगे। फ्रंट से जो लाइट्स हैं वो तो अच्छी कंडीशन में है, किसी तरह की कुछ काम नहीं कराना है। हल्का सा यहाँ पे एक स्क्रैच है बट वो निकल जाएगा, वो कोई इतना बड़ा स्क्रैच नहीं है। बोनट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है गाड़ी का, वो ऑल ओरिजिनल है, वो मैंने चेक कर लिया है। ब्लैक कलर की गाड़ी होने के बाद भी इसका बोनट ओरिजिनल है, दैट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज जनरली ब्लैक कलर की गाड़ियों पर साफ करते करते इतने स्क्रैचेज आ जाते हैं कि जो ओनर्स होते हैं वो पेंट करा लेते हैं। ठीक है, फ्रंट में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें किडनी ग्रिल मिल जाएगी, 360 डिग्री हमें यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा, और ये जो इसकी क्रोम है ये भी बिल्कुल इंटैक्ट है। सेंटर का लोगो भी हमारा साफ है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ गाड़ी के ऊपर किसी तरह के कोई हेयरलाइन स्क्रैचेस भी नहीं है, साफ सुच्ची गाड़ी रखी हुई है कस्टमर ने। झारखंड रजिस्टर्ड है। मोटो फाइंडर्स इस तरह की गाड़ियाँ आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लेकर आता रहे, वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ नेक्स्ट टारगेट 25,000 सब्सक्राइबर्स का, उसे अचीव करने में हेल्प करें, बहुत जल्दी उसे अचीव करना है। फिर नेक्स्ट माइलस्टोन जो है वो 50,000 का रखेंगे आप लोगों के साथ में। बोनट इसका ओरिजिनल है, बम्पर इसका ओरिजिनल है, बम्पर बिल्कुल साफ साफ आ रहा है हमारा, किसी तरह का कोई काम नहीं। ये वाली लाइट भी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये वाला फेंडर भी हमारा साफ साफ बचता है, इस पर भी हमें कुछ नहीं कराना है। ये फेंडर भी ओरिजिनल है। टायर्स एक बार ही आपको दिखा देता हूँ। टायर्स इसके अंदर जो अभी ग्रूव्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 55-60% तक हैं, क्योंकि गाड़ी 52,000 किलोमीटर चली है तो कस्टमर ने 40,000 के आसपास इसके टायर्स चेंज करा लिए होंगे। तो टायर्स इसमें अभी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लो प्रोफाइल टायर है, इसलिए मुझे थोड़ा अंदाज़ा कम लगा। टायर्स इसके अंदर अभी ग्रूव 60-65% तक हैं ऑनेस्टली। अलॉयज देखिए, यहाँ पे स्मोक ग्रे कलर के अलॉयज मिलेंगे, एम स्पोर्ट्स बैजिंग के साथ में, BMW का लोगो यहाँ पे है, और अलॉयज भी साफ सुथरे कराने की ज़रूरत है। जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कस्टमर कार को तो एक बार रबिंग, बफिंग, डिटेलिंग, ड्राई क्लीनिंग करा ही लेना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारा ये फेंडर साफ बच रहा है, एम स्पोर्ट्स की बैजिंग, और यहाँ पे हमें एग्जॉस्ट मिल रहा है विद अ क्रोम टच। टर्न इंडिकेटर्स में यहाँ पे जो हमारी लाइट है ये इंटैक्ट है, कोई टूटी फूटी नहीं है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे भी क्रोम मिल रहा है, देखिए आप यहाँ से ये क्रोम आ रहा है। ब्लैक के साथ ये क्रोम बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। और जो इसके कलर है, इंटीरियर है, वो थोड़ा टैन है, दैट इज़ नॉट बेज, टैन कलर के इंटीरियर्स हमें मिल रहे हैं जो गाड़ी के लुक्स और एनहांस कर रहे हैं। इंटीरियर्स आपको और इसके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें यहाँ से एम्बियंट लाइटिंग देखिए आप, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश, फिर यहाँ क्रोम फिनिश, फिर यहाँ पे आपको टैन टच मिल रहा है। जैसे शोफर ड्रिवन कार्स होती हैं, यहाँ हाथ रखते रहते हैं, ख़राब हो जाता है, ये पीस बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हार्मन गार्डन का सिस्टम मिल रहा है आपको, 6 स्पीकर्स + 2 ट्यूटर्स मिल रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखिए आपको जो एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है वो इतनी प्यारी और बड़ी आगे स्क्रीन मिल रही है जो कि टिल्टेड है टूवर्ड्स द ड्राइवर एज अ सेफ्टी फीचर। गियर लीवर जो है, ये नए वाले मॉडल्स जो है ये वाली आ गई थी डिजिटल, इसके अंदर आपको क्लस्टर मीटर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एम स्पोर्ट्स की बैजिंग यहाँ पे भी मिल रही है, और ये जो सीट्स हैं ये भी देखिए यहाँ पे भी क्रोम टच आपको मिलेगा। सो एम स्पोर्ट्स वेरियंट में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और हमें प्रीमियम मिल जाती हैं। हेडरेस्ट भी वर्किंग कंडीशन में है, एक एक चीज़ वर्किंग कंडीशन में है। स्टीयरिंग ऐसा नहीं है कि कोई बनवाया हुआ है या किसी तरह का काम हुआ है, इंटीरियर्स बड़े साफ है गाड़ी के। तो ये वाला डोर जो है इस पर भी हमें कुछ नहीं कराना है, और ये वाला डोर भी हमारा ओरिजिनल है। उसके बाद में ये वाले डोर पे शायद कभी स्क्रैचेस या कुछ लगे होंगे, तो ये वाला डोर पेंटेड है। अब पेंटेड मैंने देख लिया है, साथ ही साथ में इसको एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर लूँ, एक्सीडेंटल तो नहीं है ना। ये देखिए पेंटेड है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक्सीडेंटेड नहीं है। ये खुला नहीं है दरवाज़ा, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन जो पेंटेड चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। साथ साथ इसका मैं यहाँ से बिडिंग भी देख लेता हूँ, वो भी देखिए इंटैक्ट है बिल्कुल, जैसी कंपनी से आती है इंटैक्ट बिडिंग है इसकी। यहाँ पर हमें लाइट मिल रही है, ये देखिए कितनी प्यारी लाइट मिल रही है हमें यहाँ पे। ये एस्ट्रे है, कितने प्यार से खुल रही है। यहाँ पे क्रोम फिनिश देखिए, डोर्स बड़े साफ़ हैं। यह आपके कर्टेन्स वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे टच पैड दिया हुआ है, इवन मैं आपको टच पैड इसका दिखाऊंगा जब गाड़ी स्टार्ट करके इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। और इसके अंदर मुझे मिल रहा है एक रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जो कि ऑफकोर्स वर्किंग कंडीशन में है। पीछे हमें यहाँ पर रिक्लाइनर भी मिल रहा है, सीट फॉरवर्ड और फ्रंट भी मूव होंगी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सनरूफ है, ठीक है, इसके अंदर ये ब्लू लाइट्स भी आप ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
और ओपेक इसको बना सकते हैं, आप इस सनरूफ को ओपेक भी बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं, जैसी आप चाहें। फुल ऑन कार है BMW 730 LD। मैंने आपको बता दिया ये वाला डोर पेंटेड है, बाकी ये ओरिजिनल है हमारा। और फ्यूल टैंक भी देखिए बिल्कुल साफ है जैसा होना चाहिए। टायर्स जो है इसमें एक ही प्रोफाइल के कस्टमर ने टायर्स डलाए हैं। 19 इंच के अलॉयज आते हैं इसके अंदर, अलॉयज ये वाला बिल्कुल इंटैक्ट है। अंदर जो है आपका ब्रेक डिस्क जो है वो भी बिल्कुल साफ दिख रही है। टायर्स अच्छी कंडीशन में है, तो टायर्स के ऊपर आपको खर्चा नहीं करना है, इंश्योरेंस के ऊपर आपको खर्चा नहीं करना है, जून तक वैलिड है। गाड़ी जो है रिसेंटली सर्विस है, सर्विस के ऊपर आपको कोई खर्चा नहीं करना है। 730 की बैजिंग है, ये हल्का सा क्रोम यहाँ से साफ हो जाएगा डिटेलिंग में। फिर यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल रहा है, लाइट के अंदर भी देखिए आपको क्रोम फिनिश मिल रहा है। पीछे LED टेल लैंप्स मिल रहे हैं हमें। बूट एक बार इसकी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि बूट इसकी कैसी यूज्ड है। तो इलेक्ट्रिक टेल गेट है इसके अंदर, बूट देखिए कितनी बड़ी बूट मिल रही है और अच्छी साफ रखी है गाड़ी, किसी भी तरह से रफ यूज़ नहीं करी है गाड़ी को। सो इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। बूट इसका जो है वो ओरिजिनल पेंट का है, बड़ी साफ रखी है। ऑनेस्टली इतनी रखना बहुत मुश्किल होता है साफ गाड़ी। ये वाला फेंडर जो है ये भी हमारा ओरिजिनल है और ये भी बिल्कुल साफ साफ बचता है। यहाँ पे हमें लाइट्स मिलती हैं, जैसा BMW की मुझे फेवरेट चीज़ लगती है, बहुत अच्छा लगता है जब लाइट्स चलती हैं। टायर्स चारों एक ही हैं, ये वाला डोर भी बचता है, ये वाला भी बचता है, ये वाला भी बचता है। टेस्ट ड्राइव इस गाड़ी की मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कस्टमर है नहीं यहाँ पे, ड्राइवर को बोल कर गए कि गाड़ी बाहर ना जाए, तो उसके लिए मैं ज़्यादा उनको इंसिस्ट भी नहीं करूँगा। ऑफकोर्स अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो, बट अगर मैं टेस्ट ड्राइव लेके बनाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि मैं और जो चीज़ें वो भी बता सकता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, जो कस्टमर की कार्स होती हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है, और वो मिलती हैं ज़्यादातर डीलर्स को मिलती हैं वो गाड़ियाँ, और फिर वो थोड़ी सी रिफर्ब करके फिर एंड कस्टमर्स को बेचते हैं। अगर आप डायरेक्टली कस्टमर से लेना चाहते हैं और वो 5-7 लाख रुपए का अपना बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं। इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस और जो इसका डील प्राइस है वो 52 लाख रुपीज़ है, विच इज़ फिक्स्ड। 52 लाख रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी BMW 730 LD M Sports। उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होंगे कस्टमर के साथ में। आप आएँ और आप कोई काम खर्चा निकाल के प्राइस कम करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली। इसलिए मैं इतनी डिटेल्ड और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाता हूँ कि किस कोई आके अपना भी टाइम वेस्ट ना करे और बायर और सेलर का भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाता हूँ। गाड़ी आपको अच्छे से वीडियोस में दिखा देता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप गाड़ी देखने के लिए आएँ, बल्कि मैं तो कहूँगा एक और बार क्लिक करना है इसको। ये देखिए कितना ओरिजिनल बोनट है, इतनी ओरिजिनल बोनट है इसलिए इतनी आराम से ऊपर गया है। सील्स जो है इसकी बिल्कुल इंटैक्ट है, पेंट ही नहीं हुआ तो खुलने का मतलब ही नहीं बनता है बोनट का। ये वाली जो रॉड्स वगैरह देखिए, ये इनके भी पेंच बिल्कुल इंटैक्ट है, कभी नहीं खुले। सामने से हेडलाइट सपोर्ट और बोनट पट्टी सब कुछ साफ साफ आ रही है। और एक बार आपको इसका सेल्फ मार्क इंजन की साउंड सुना देता हूँ। सीट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ वर्किंग कंडीशन में, बिल्कुल थाई सपोर्ट भी इसका चल रहा है, गियर शिफ्टिंग में कोई जर्क भी नहीं है, यहाँ खड़े खड़े भी पता चल जाता है वैसे हमें तो। और गाड़ी का जो है कोई एक्सेस वाइब्रेशन भी नहीं है, माउंटिंग का भी कोई काम नहीं है। ब्रेक्स वगैरह की अगर कोई लाइट्स होती हैं तो BMW में यहीं आ जाती हैं। और हम व्हीकल सेटिंग्स में जाके अभी इसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह भी देख लेंगे कि क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। मेन्यू में आएंगे हम इसके, यहाँ पर नेविगेशन पहले चेक कर लेते हैं। नेविगेशन है गाड़ी में, बिल्कुल नेविगेशन है गाड़ी के अंदर। कनेक्ट ड्राइव ये आपको BMW असिस्टेंस वगैरह से कनेक्ट कर देगा। माई व्हीकल्स में जाके देखते हैं हम। और आई ड्राइव सेटिंग्स आप यहाँ से सारी कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट करना है। तो ये जेस्चर कंट्रोल वाली आपकी गाड़ी है 730 LD M Sports। टच पैड के पीछे के आप कंट्रोल भी यहाँ से कर सकते हो, राइट मैप वगैरह भी आप वहाँ से ऑन कर सकते हो, वो मैं आपको पीछे वाली सीट पर बैठ के दिखा दूंगा। डेट टाइम सेट कर सकते हो, साउंड डेटा प्राइवेसी वगैरह ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। व्हीकल स्टेटस एक बार ही देख लेते हैं गाड़ी का। टायर प्रेशर ओके है, अक्सर टायर प्रेशर की लाइट देखने के लिए मिलती है हमें, बट टायर प्रेशर इसके ओके बता रहे हैं, इसका मतलब सेंसर्स ओके हैं इसके। फिर हम इसका इंजन ऑयल लेवल पे एक बारी चेक करते हैं, इंजन लेवल ऑयल ओके है हमारा गाड़ी का, ठीक है। और हम इसका सर्विस रिक्वायरमेंट्स एक बारी देख लेते हैं, इंजन ऑयल वगैरह ओके है। तो नेक्स्ट सर्विस जो है इसकी 2023 नवंबर 11,000 किलोमीटर के बाद है, तो रिसेंटली सर्विस्ड है गाड़ी। अब आपको अगले 11,000 के बाद गाड़ी सर्विस करानी है, ये फ़ायदा होता है देखिए कस्टमर की गाड़ियों का, मेंटेन्ड रखते हैं अपनी गाड़ियाँ। इंश्योरेंस जो है वो आपका वो वैलिड है मई
मई मंथ तक वैलिड है 2023 तक। टायर्स अच्छी कंडीशन में, नीट एंड क्लीन इंटीरियर्स भी हैं, गाड़ी के मीटर रीडिंग भी जेन्युइन है 52,000 किलोमीटर्स, गाड़ी भी काफ़ी हद तक ओरिजिनल है, एक डोर पेंटेड है वो मैंने आपको बता दिया है, नॉन एक्सीडेंटल है क्योंकि सारी चीज़ें ओरिजिनल पेंट है तो मैंने ज़्यादा उसे चेक नहीं करा, ऑब्वियसली जब ओरिजिनल पेंट है तो गाड़ी भी ओरिजिनल होगी। अंदर क्रोम फिनिश हमें काफ़ी मिल रहा है और इसके अंदर हार्मन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है हमें, लाइट्स वगैरह सब कुछ इंटैक्ट है, गाड़ी की कोई एरर नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर। सनरूफ एक बार खोल के देख लेते हैं, तो सनरूफ हमारी देखिए बिल्कुल स्मूथली जा रही है, ऑनेस्टली बड़ी साफ गाड़ी रखी है कस्टमर ने, और 52 लाख रुपीज़ अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई बुरा प्राइस नहीं है। झारखंड नंबर भी है तो आप आराम से इसको 15 साल भी आराम से इजीली चला सकते हैं। मैं पीछे वाली सीट इसकी एक्सप्लोर करता हूं मैं। BMW 730 LD में बैठने का मजा तो पीछे है, एस क्लास में भी पीछे यहां पे हमें रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है और वो भी मतलब लेटेस्ट मिल रहा है, इसके अंदर हमें नेविगेशन मिल रहा है। ये वाली सीट मैं पीछे से ही आगे कर सकता हूँ जैसी मुझे चाहिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ये सीट मैंने आगे कर दी है। एक बार इसका टच पैड ऑन करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया कनेक्टिविटी इससे कर सकते हैं, सेटिंग्स हम इससे कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह हम कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ बैक पे आ जाएंगे हम, बैक करेंगे हम इसको, होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी ऐप्स भी दी हुई हैं हमें और ऐप्स में हमें म्यूज़िक मिल रहा है, यहाँ पे BMW की एक ऐप मिल रही है, ये इंटरनेट से चलेगा तो इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी मुझे, बट वर्किंग कंडीशन में इसकी ऐप्स वगैरह ये मैंने देख लिया है। अब हम इसके होम पेज पर आएंगे, होम पेज पर आने के लिए हमें अच्छा ये देखिए ये टैब आप निकाल भी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फीचर है, ये टैब आप निकाल भी सकते हैं, ऐसे ये टैब बाहर आ जाएगी और इसको आपको जो है ये ऑटो अपने आप यहाँ पे चार्ज भी होती रहती है इसकी बैटरी, वो कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, यहाँ से आप इसको प्ले वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। फिर इसको आप वापस रख दें अपनी जगह पे, इसको ऑफ कर दें। पीछे हमें यहाँ पे देखिए आर्मरेस्ट में बहुत अच्छी जगह मिल रही है। एक बार हम इसके जो हैं ये देख लेते हैं, पावर ब्लाइंड्स वर्किंग कंडीशन में हैं यानी पावर ब्लाइंड्स फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। यहाँ का कर्टेन भी पीछे से बंद होना चाहिए, वो भी बंद हो रहा है बिल्कुल जैसे होना चाहिए। तो ऑनेस्टली मतलब गाड़ी को हमने एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लिया, इंजन की साउंड सुन ली, टायर्स देख लिए, हमने गाड़ी की डिटेल्स देख ली कि 2016 है, मई मंथ की रजिस्टर्ड है, 52,000 चली है, जेन्युइन पार्टी की गाड़ी है, उसके घर पे बैठ के हम ये वीडियो बना रहे हैं कस्टमर के घर पे। और आप लोग भी अगर आते हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप आएँ गाड़ी की वीडियो अच्छे से देख कर आएँ। 52 लाख रुपीज़ इज़ द लास्ट प्राइस, उसमें नेगोशिएशन एक्सपेक्ट ना करें सर। हर सेलर जब अपनी गाड़ी की वीडियो बनवा रहे होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑफकोर्स हायर साइड पे ही होती है, बट फ्रेंड्स उनको कन्विंस किया जाता है कि सर देखो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अगर गाड़ी नहीं बेचनी है तो फिर मत बेचो, लेकिन मतलब फिर वीडियो बनाने का भी कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए मैं नेगोशिएट करके ही लाता हूँ सारे सेलर्स के साथ में। गाड़ियाँ RC पेमेंट की गाड़ियाँ मिल रही हैं मुझे, ये बहुत अच्छी बात है। आगे मेरे पास में एक बॉक्सटर आने वाली है जो कि RC पेमेंट है, एक S65 AMG 2014 आने वाली है जो कि कस्टमर कार है, इवोक है 2019 इवोक है, काफ़ी सारी कस्टमर्स की कॉल्स और क्वेरीज आ रही हैं क्योंकि वीडियोज़ बनाने का हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग कि आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए आपकी गाड़ी का और आपकी गाड़ी पता चल जाए आपको आप किसको बेच रहे हैं और इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाए आपके सामने। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो पैसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप अपनी कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट करें, अगर खरीदना चाहते हैं तो आप ये गाड़ी देख सकते हैं, अदरवाइज आप साइड में मेरे कैटलॉग रन कर रहा है उस कैटलॉग को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको हर गाड़ी के 10 स्टिल फोटोग्राफ्स डिटेल्स आस्किंग प्राइस यूट्यूब वीडियो लिंक सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स। और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ मुझे मोटिवेट करने के लिए, प्लीज़ मोटोवा इंटर को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।